टेस्टी फूड पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपको पाइनएप्पल की स्वीट डिश दिखाने जा रही हूँ। तो ये और इसे हम महीने तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, ये बहुत ही आसानी से हम घर में बना सकते हैं। बहुत टेस्टी डिश है ये। इसके लिए हमें चाहिए 1 मीडियम साइज़ का पाइनएप्पल, मैंने लिया है इस तरह से कट करके 250 ग्राम, और चीनी मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया है, यानी कि 1 कप। ये कम ये ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 पिंच मैंने साइट्रिक एसिड यहाँ पे लिया है, ये प्रिजर्वेटिंग का काम करेगा। तो इसे अगर स्टोर करना है तभी यूज़ करें, वरना ना करें। तो सबसे पहले हम पैन को गैस के ऊपर रख देंगे और उसके बाद हम सारे पाइनएप्पल के पीसेस इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम साइट्रिक एसिड डालना है और ये चीनी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ध्यान रखना है गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम रखना है, तेज आंच पे हमें नहीं पकाना है इसको। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब चीनी हमारा इसका मेल्ट हो रहा है, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे बॉईल करना है, इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है हमें। तो इसको जल्दी पकने के लिए हम इसको कवर कर देंगे। लगभग 5 से 8 मिनट के लिए हम इसको कवर करना है, बीच बीच में आपको चेक करना है। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं तो हम इसे चेक करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, ये गर्मी के दिनों में बहुत टेस्टी लगता है। अब ये लगभग सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे पाइनएप्पल के पीसेस, तो इसे हम अब गैस हमारा बंद कर देंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। ये ठंडा होने के बाद इसको इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।